Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update. मंगल ग्रह हमसे लगभग 5,46,00,000 किलोमीटर दूर, लेकिन हमारी कल्पनाओं में सबसे करीब। इंसान चाहे मंगल ग्रह पर नहीं गया, लेकिन वहां मशीनें भेजकर वहां की हर चीज को फील करने की कोशिश जरूर की है। आज भी मंगल पर मशीनों का ही राज है। हमारे द्वारा बनाई हुई मशीनें, हमारे द्वारा भेजी गई मशीनें अनेकों इसके ऑर्बिट में आज भी चक्कर लगा रही हैं। और रोवर्स, उनका क्या? मंगल ग्रह पर अनेकों रोवर्स भेजे गए, जिनमें से अनेकों तो खराब हो गए। कुछ अपनी तय जिंदगी के अनुसार काम करते हुए खत्म हो गए और कुछ आज भी जिंदा हैं, बिखरे पड़े हैं उसी ग्रह पर जिसे हम अक्सर लाल ग्रह कहते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर भी इन्हीं में से एक है। वाकई में ये एक महान मिशन था मंगल ग्रह के लिए। मंगल की जमी पर क्यूरियोसिटी ने अनेकों खोजें की। जो कमांड्स हम यहाँ से भेजते वो उसके लिए हुक्म बन जाता। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ से भेजी गई कमांड्स को क्यूरियोसिटी तक पहुँचने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है? और वो कमांड सही तरह से एग्जीक्यूट हुई या नहीं, यह जानने में हमें आधे घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। सन 2011 में क्यूरियोसिटी रोवर को लॉन्च किया गया और 6 अगस्त सन 2012 को क्यूरियोसिटी ने पहली बार मंगल ग्रह को टच किया। लेकिन क्या आप इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं? चलिए मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। क्यूरियोसिटी रोवर एक कार जितना बड़ा है। पृथ्वी पर अब तक सबसे तेज चलने वाली कार है बुगाटी शेरॉन, जिसकी कीमत है लगभग $30,00,000 और टॉप स्पीड है 420 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मंगल पर चलने वाले इस क्यूरियोसिटी रोवर की कीमत है $250 करोड़ और टॉप स्पीड है 2 इंच पर सेकंड। मुझे पता है ये आपको काफी अजीब लगा होगा। जनवरी सन 2018 के आंकड़ों के अनुसार क्यूरियोसिटी रोवर ने इन लगभग 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी ही तय की है, और वो भी एवरेज 0.4 इंच प्रति सेकंड की स्पीड से। क्यूरियोसिटी रोवर सिर्फ 10 सेकंड ही लगातार चलता है और फिर इसे रुकना पड़ता है अपने आसपास के एटमॉस्फेयर और सरफेस को एनालाइज करने के लिए। इसे चलाने के लिए कोई जॉयस्टिक्स नहीं है, हमें कोड करके इस तक अपनी इंस्ट्रक्शंस पहुंचानी होती हैं, जैसे कि मूव फॉरवर्ड 10 इंचेस देन टर्न लेफ्ट। सच में एक कंट्रोल रूम से किसी कंप्यूटर से क्यूरियोसिटी रोवर को कंट्रोल करना बहुत चुनौती का काम है, लेकिन फिर भी इसके ड्राइवर्स बखूबी इस काम को कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि आप क्यूरियोसिटी रोवर को चलाओ? क्या आप क्यूरियोसिटी रोवर के हर पार्ट के बारे में जानना चाहते हो? और क्या आप भी मार्स को फील करना चाहते हो? ऑफकोर्स ये तो कोई भी करना चाहेगा। तो चलिए चलते हैं मार्स और क्यूरियोसिटी को एक्सपीरियंस करते हैं अपने डेस्कटॉप से। एक्सपीरियंस क्यूरियोसिटी ये वेबसाइट है नासा द्वारा बनाई गई। लिंक आपको वीडियो में नीचे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑसम एक्सपीरियंस फील होगा, मतलब एक रियलिटी की तरह, मानो आप ही इसे चला रहे हो। कैसे टायर्स की मूवमेंट होती है, कैसे इसके मैकेनिज्म्स काम करते हैं, कौन कौन से टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स इसमें लगे हुए हैं, सब कुछ आपके सामने होगा। तो चलिए वेबसाइट को अब एक्सप्लोर करते हैं। वेबसाइट में ऊपर राइट हैंड साइड में देखेंगे आपको दो आइकन्स। पहला आइकन है ये, जो कि फुल स्क्रीन के लिए है। यहाँ से आप इस वेबसाइट को फुल स्क्रीन मोड पे एक्सेस कर सकते हो। और दूसरा आइकन है वेबसाइट की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। राइट साइड में ही थोड़ा नीचे आने पर आपको दिखेंगे क्यूरियोसिटी रोवर के डिफरेंट कैमरास, जिन्हें आप चेंज कर सकते हो और डिफरेंट वेज में क्यूरियोसिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हो। वहीं लेफ्ट साइड में 4 आइकन्स दिखाई देंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है फ्री ड्राइव एंड रोवर रिप्ले। अगर आप रोवर को काम करते हुए देखना चाहते हैं तो यहाँ 3 डिफॉल्ट इवेंट्स दिए हुए हैं। जैसे अगर हम सोल 908 ड्रिल पर क्लिक करेंगे
तो क्यूरियोसिटी रोवर पॉइंट 2 की तरफ बढ़ेगा और इस टेलीग्राफ पीक नाम की चट्टान पर एक ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। हमें नीचे एक नोट के जरिए बताया जा रहा है कि ये सिमुलेशन क्यूरियोसिटी रोवर की एक्चुअल स्पीड के मुकाबले 20 से लेकर 60 गुना ज्यादा तेज है और फिर आपके सामने उस ड्रिल्ड होल की इमेज आ जाएगी जो क्यूरियोसिटी ने एक्चुअल में परफॉर्म किया था। आप हर इवेंट के बारे में स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। इसके अलावा आप कहीं पर भी एक छोटे दायरे में क्लिक करके क्यूरियोसिटी को उस पॉइंट पर जाने की कमांड्स दे सकते हो। साइड मेन्यू में दूसरी ऑप्शन है कंट्रोल क्यूरियोसिटी की। यहाँ जो भी पार्ट्स ब्लू कलर में हाईलाइट हो सकते हैं आप उन्हें मूव करके वर्किंग कंडीशन में देख सकते हो। यहाँ से आप क्यूरियोसिटी में लगे डिफरेंट मैकेनिज्म्स को स्टडी कर सकते हो, जैसे कि उसकी आर्म्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और यह कितने डिग्रीज तक रोटेट कर सकती है। साइड मेन्यू में तीसरी ऑप्शन है लर्न अबाउट क्यूरियोसिटी की। तो यहाँ है आपके लिए नॉलेज का सबसे बड़ा खजाना। यहाँ आप क्यूरियोसिटी के किसी भी पार्ट पर क्लिक करोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। स्क्रॉल कीजिए और रीड कीजिए। जैसे कि अगर हम क्लिक करते हैं पावर सोर्स पर तो आपको जूम करके पावर सोर्स दिखाने की कोशिश की जाएगी और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्यूरियोसिटी रोवर में 4.8 किलोग्राम प्लूटोनियम ऑक्साइड है जिसकी हीट से रोवर को रात में गर्म रखा जाता है और इसी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे ही यहाँ लेफ्ट साइड में क्यूरियोसिटी रोवर के काफी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं जिन्हें आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो और क्यूरियोसिटी के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। साइड मेन्यू में फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है प्रॉम्प हेल्स हाइलाइट्स का। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपको नंबर्स में 4 लोकेशंस दिखाई देंगी। यहां से आप किसी भी लोकेशन को चुन सकते हैं। यहां आपको ऑडियो वीडियो और इमेजेस से इस जगह के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही यह भी बताया जाएगा कि यहां पर क्यूरियोसिटी कब और क्यों आया। जैसे कि अगर हम पहली ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमें एक ऑडियो सुनाई देगी और साथ ही में हम रिटन इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ सकते हैं। और अब आप सिलेक्टेड पॉइंट की ऑडियो को ध्यान से सुने। Pahrump Hills is where we got our first taste of a Martian mountain. Curiosity arrived at Pahrump Hills in September 2014, after a 5.5 mile drive from the place where we landed. We went to a bright patch of rock that we could see from orbit. This is the kind of rock that makes up the base of Mount Sharp. After collecting a drill sample, Curiosity began a walkabout of the area, in the same way that a field geologist on Earth first walks around to choose the best places to study in detail. इस ऑडियो में बताया गया है कि सितंबर 2014 को Curiosity रोवर अपनी लैंडिंग साइट से तकरीबन 5.5 मील का सफर तय करके यहां पहुंचा था। यहाँ क्यूरियोसिटी ने ड्रिल करके सैंपल्स को इकट्ठा किया और इस जगह के आसपास का निरीक्षण भी किया। ऐसे ही आप सभी 4 लोकेशंस के बारे में जरूर जानें, क्योंकि बाकी बची 3 लोकेशंस भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। दोस्तों, आप यहाँ से क्यूरियोसिटी के बारे में काफी कुछ जान सकते हो। पूरा क्यूरियोसिटी मंगल पर होने के बावजूद भी आपके सामने है, तो जितना ज्यादा हो सके आप उतना जानने की कोशिश जरूर करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी सीखने का एक नया प्लेटफॉर्म मिले। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मुझे पता है सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं स्पेस की ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव ट्रिप पर। तब तक के लिए नमस्कार।